हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दोस्तों, एक बार फिर मैं सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे हमेशा की तरह, और होप करता हूँ आप सभी हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो दोस्तों, जिसमें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सेंट्रल दिल्ली से लेके नॉर्थ दिल्ली तक की ड्राइव। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, करते हैं आज की जर्नी स्टार्ट। ये आपने देखा दोस्तों, ये हम सेंट्रल दिल्ली कनॉट प्लेस से होते हुए आए हैं राजेंद्र प्लेस की तरफ, और हम जा रहे हैं दोस्तों आगे राजेंद्र प्लेस पटेल नगर से होते हुए रोहिणी की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है वंदे मातरम मार्ग, और दोस्तों यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं दिल्ली के डिफरेंट रीजन्स को कवर करते हुए। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारी रेजिडेंशियल एरियाज यहाँ से नियर बाय। दोस्तों गंगाराम हॉस्पिटल बहुत ही नज़दीक है यहाँ से। ये जो आप सामने प्लेस देख रहे हैं, ये है दोस्तों न्यू राजेंद्र नगर, जो कि आपका वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है, और काफ़ी सारी मार्केट्स, रेजिडेंशियल एरियाज और आपको ये देखने को मिल जाएंगे यहाँ। और ये जस्ट नियर बाय है दोस्तों करोल बाग से। ये आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों राजेंद्र नगर की मेन मार्केट, काफ़ी बड़ी और काफ़ी सारी आपको एमिनिटीज़ इस मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। मेजरली यहाँ पे हमारे सिख कम्युनिटी के भाई लोग आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और बड़ा एरिया है, और ये है फायर स्टेशन राजेंद्र प्लेस। काफ़ी सारी डिफरेंट लोकेशंस के लिए यहाँ से रास्ता जाता है दोस्तों, जैसे कि नारायणा, धोला कुआं, करोल बाग और रोहिणी की तरफ। और ये हम आ चुके हैं दोस्तों पटेल नगर में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी की, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी इस प्लेसेस पे आपको देखने को मिल जाएगी, सच एज बसेस, मेट्रोज और डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। काफ़ी सारी यूनिक और ऑथेंटिक मार्केट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी, और शॉप्स दोस्तों आप देख सकते हैं जगह जगह पे बस स्टॉप्स, और साथ ही हमारी ब्लू लाइन मेट्रो भी इसमें चल रही है दोस्तों, जो कि आपको नोएडा से द्वारका तक कनेक्ट करती है। इस प्लेस का नाम है पटेल नगर दोस्तों, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर हम आगे जाएंगे तो शादीपुर प्लेस आएगा। आप देख सकते हैं गोपाल जी पूड़ी वाले, बहुत ही ऑथेंटिक और पुरानी दुकान है दोस्तों ये। और ये हम पहुंच गए हैं शादीपुर। अगर मैं बात करूं ट्रैफिक कंजेशन और ट्रैफिक जैम की दोस्तों, तो मॉर्निंग और इवनिंग ऑफिस आवर्स के टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन का इशू देखने को मिल सकता है। ये हम पहुँच गए हैं शादीपुर दोस्तों, और ये है शादीपुर मेट्रो स्टेशन। इसके नीचे काफ़ी सारे अच्छे आपको रेस्टोरेंट, QSR आउटलेट्स देखने को मिल जाएंगे। और ये हम आ गए दोस्तों कीर्ति नगर, ये है कीर्ति नगर का इंडस्ट्रियल एरिया, और यहाँ बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज बैंक्वेट हॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप। और ये है ब्लू लाइन मेट्रो, ये आपका द्वारका से नोएडा तक कनेक्ट करती है दोस्तों। ये हम आ गए हैं कीर्ति नगर से थोड़ा सा आगे फ्रेंड्स, और ये जो आप प्लेस मार्केट देख रहे हैं, इस प्लेस का नाम है मोती नगर दोस्तों, जो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। काफ़ी सारे पेट्स की शॉप्स देखने को मिल जाएंगी आपको यहाँ। ये रास्ता दोस्तों कनेक्ट करेगा हमारा आउटर रिंग रोड पे, आप देख सकते हैं
ये आ गया है हमारा आउटर रिंग रोड, जो कि आपका बाईपास से लेके धौला कुआं तक कनेक्ट करते हैं दोस्तों। और ये हम पहुंच गए हैं पंजाबी बाग। काफ़ी बड़ा महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो मेट्रो की लाइन देख रहे हैं, ये है पिंक लाइन मेट्रो दोस्तों, जो कि मजलिस पार्क से लेके वेलका तक कनेक्ट करती है। और ये हम जा रहे हैं नॉर्थ दिल्ली रोहिणी की तरफ। मैं समय की बात करूँ दोस्तों, तो आज का दिन है संडे और टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। और ये दोस्तों देख सकते हैं पहुंच गए हैं पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन। बहुत ही बड़ा मेट्रो स्टेशन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसके नियर बाय ही आपको ESI वसई धारापुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा दोस्तों, या मेट्रो जाते हुए देख सकते हैं। काफी अच्छी वाइड रोड है दोस्तों, या मेट्रो का ब्रिज देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। और नीचे ही इसके ट्रैक दोस्तों रेलवे लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। ये हम आ गए हैं फ्लाईओवर पे। और अब हम दोस्तों पहुंचने वाले हैं शकूरपुर, जो कि आपको नॉर्थ दिल्ली में सिचुएटेड है। आप देख सकते हैं इंडिया का फ्लैग। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको दिल्ली ट्रैवल की सीरीज़ दोस्तों कैसी लगती है, ताकि हम ऐसे ही न्यू वीडियोस बनाते रहें। ये हम हैं दोस्तों आउटर रिंग रोड पर, और ये हम पहुंच गए हैं नेताजी सुभाष प्लेस दोस्तों, को वज़ीरपुर NSV भी बोलते हैं दोस्तों। काफ़ी देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़े कॉरपोरेट ऑफिस और बिजनेस IT पार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स आप हल्दीराम्स और काफ़ी सारे आप देख सकते हैं। इस वक्त हम नॉर्थ दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस एरिया में, यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एरिया है। और यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब है ये दिल्ली का, आफ्टर नेहरू प्लेस। हर चीज़ यहाँ आपको मिल जाएगी दोस्तों, खाने पीने से लेके ज्वेलरी से लेके रिटेल क्लोथिंग शॉपिंग ऑफिसेज सब मिलेगा आपको यहाँ पे। और नियर बाय मेट्रो स्टेशन है रेड लाइन का। अब हम आ गए नॉर्थ दिल्ली में, और हमारे साथ मेट्रो की लाइन चल रही है रेड लाइन दोस्तों, जो कि आपका रिठाला से लेके शहीद स्थल तक कनेक्ट करती है। और ये हम पहुंच गए कुहाट एनक्लेव। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों ट्रैफिक कंजेशन और पार्किंग का इशू आपको देखने को मिल जाएगा। ये हम पहुंच गए हैं कुहाट एनक्लेव मेट्रो स्टेशन। आप देख सकते हैं फुटओवर ब्रिज, और ये आ गया है कुहाट एनक्लेव का मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट स्टेशन है दोस्तों मधुबन चौक पीतमपुरा। बहुत बड़ी और अच्छी मार्केट है दोस्तों ये। तो दोस्तों हम आज की जर्नी को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड इसी तरह दोस्तों बने रहिए चैनल पे और भरपूर प्यार देते रहिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं दोस्तों इसी तरह अच्छी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग।